श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 12 ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यक्षों का वध करना पूरी तरह बंद कर दिया। जब सर्वाधिक समृद्ध धनपति कुबेर को यह समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों, किन्नरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज से बोले। धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि अपने पिता मह के आदेश से तुमने वैर भाव को त्याग दिया। यद्यपि इसे तज पाना बहुत कठिन होता है, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा है, न उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन तथा विनाश का अंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। देहात्मक बुद्धि के आधार पर स्व तथा अन्यों का मैं तथा तुम के रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। यही देहात्मक बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है और इसी से इस जगत में हमें निरंतर बने रहना पड़ता है। हे ध्रुव, आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे हैं, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। इसलिए सभी जीवात्माएं बिना किसी अंतर के एक हैं। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के अंतिम आश्रय हैं। अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रह कर भी वे उसके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। हे महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, हमने सुना है कि तुम कमलनाभ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो। अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। अतः बिना हिचक के जो तुम वर मांगना चाहो मांग सकते हो। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब यक्ष राज कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा तो उस परम विद्वान शुद्ध भक्त बुद्धिमान तथा विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना अन्यों के लिए अत्यंत दुस्तर है। इद्विदा के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक
ध्रुव महाराज को मन चाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव को देखते देखते अंतर्धान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे, उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञोत्सव संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ हैं, वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं और यज्ञ जन्य आशीर्वादों के प्रदाता हैं। ध्रुव महाराज निर्बाध बल के साथ हर वस्तु के आघात परमेश्वर की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं भगवान में स्थित है और वे समस्त जीवात्माओं में स्थित हैं। भगवान अच्युत कहलाते हैं, क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। इस प्रकार आत्मसंयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के सांसारिक कार्यों, धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। श्रील ध्रुव महाराज को अनुभव हो गया कि यह दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा माया जाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की सृष्टि है। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोष, सुखकर महलों तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान लिया। इस तरह वे काल क्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिका आश्रम के वन में चले गए। बद्रिका आश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गई, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल से नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास तथा प्राण वायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्चा विग्रह रूप में केंद्रित किया, जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे। उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो आया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। जो ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते हुए देखा, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्रमा
दशो दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा। उनके चार भुजाएं थी और श्याम वर्ण की शारीरिक कांति थी। वे अत्यंत तरुण थे और उनके नेत्र लाल कमल पुष्पों के समान थे। वे हाथों में गदा धारण किए थे और उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी। वे मुकुट धारण किए थे और हारों बाजूबंदों तथा कुंडलों से सुशोभित थे। यह देख कर कि ये असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के दो निजी दास जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा किए खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद सुनंद तथा नंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। हम जो कहें कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जब आप 5 वर्ष के थे तो आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। हम उन भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड का सत्रष्टा है और हाथ में चारडंग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ लोक ले जाने के लिए हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परम धाम विष्णु लोक के दर्शन करने के लिए ही सूर्य चंद्रमा तथा अन्य ग्रह तारे चंद्र भुवन नक्षत्र तथा सौर मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। कृपया आइए, वहां जाने के लिए आपका स्वागत है। हे राजा ध्रुव, आज तक न तो आपके पूर्वजों ने न अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है। यह विष्णु लोक जहां विष्णु निवास करते हैं सबों से ऊपर है। यह अन्य सभी इस ब्रह्मांडों के निवासियों द्वारा पूजित है। आप हमारे साथ आए और वहां शाश्वत वास करें। हे दीर्घजीवी, इस अद्वितीय विमान को उन भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य हैं। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, ध्रुव महाराज भगवान के अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने वैकुंठ लोकवासी भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने को उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया।
चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की और विष्णु के पार्षदों को भी नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेजमय तथा दैदीप्यमान हो उठे। इस प्रकार से वे उस दिव्य यान में चढ़ने के लिए पूर्णतः सन्नद्ध थे। जब ध्रुव महाराज उस विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात्काल मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर काल के सिर पर अपने पांव रख दिए और वे विमान में चढ़ गए जो इतना विशाल था कि जैसे एक भवन हो। उस समय ढोल, मृदंग तथा दुंदुभी के शब्द आकाश से गूंजने लगे। प्रमुख प्रमुख गंधर्व जन गाने लगे और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की मूसलाधार वर्षा की। ध्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान पर बैठे थे जो चलने वाला था तो उन्हें अपनी बेचारी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे कि मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसे जा सकूंगा। वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद तथा सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही हैं। आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा और रास्ते में समस्त देवताओं को उनके विमानों से अपने ऊपर फूलों की वर्षा करते देखा। इस प्रकार ध्रुव महाराज ने सप्त ऋषि कहलाने वाले ऋषियों के सात लोकों को पार किया। इसके परे उन्होंने उस लोक में अविचल दिव्य पद प्राप्त किया जहां भगवान विष्णु वास करते हैं। जो लोग दूसरे जीवों पर दयालु नहीं होते वे स्वतेजोमय इन वैकुंठ लोकों में नहीं पहुंच पाते, जिनके प्रकाश से इस भौतिक ब्रह्मांड के सभी लोक प्रकाशित हैं। जो व्यक्ति निरंतर अन्य प्राणियों के कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते हैं केवल वे ही वैकुंठ लोक पहुंच पाते हैं। जो शांत समदर्शी तथा पवित्र हैं तथा जो अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने की कला जानते हैं वे भगवान के भक्तों से ही मित्रता रखते हैं, केवल वे ही वापस घर को अर्थात भगवान के धाम को सरलता से जाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार महाराज उत्तानपाद के अति सम्माननीय पुत्र पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित ध्रुव महाराज ने तीनों लोकों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। संत मैत्रेय ने आगे कहा, हे कौरव वंशी विदुर, जिस प्रकार बैल अपनी दाई और बांधे मध्यवर्ती लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। ध्रुव महाराज की महिमा को देखकर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर गए और प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित तीन श्लोकों का उच्चारण किया। महर्षि नारद ने आगे कहा, अपनी आत्मिक उन्नति तथा सशक्त तपस्या के प्रभाव से ही पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसा उच्च पद प्राप्त किया है जो तथा कथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं।
सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या कही जाए। महर्षि नारद ने आगे कहा, देखो न किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए और उन्होंने मेरे निर्देशन में तपस्या की। यद्यपि भगवान अजेय हैं, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समन्वित होकर उन्हें परास्त कर दिया। ध्रुव महाराज ने 5-6 वर्ष की अवस्था में ही 6 मास तक तपस्या करके उच्च पद प्राप्त कर लिया। ओह, कोई बड़े से बड़ा क्षत्रिय अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भी ऐसा पद प्राप्त नहीं कर सकता। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, तुमने मुझसे ध्रुव महाराज की परम ख्याति तथा चरित्र के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार से बता दिया है। बड़े बड़े साधु पुरुष तथा भक्त ध्रुव महाराज के विषय में सुनने की इच्छा रखते हैं। ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश तथा दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याण कर है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को जा सकता है अथवा ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि यह सारे पाप कर्मों के फल का नाश करने वाला है। जो भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके शुद्ध चरित्र को समझने का बारंबार प्रयास करता है वह शुद्ध भक्ति में धरातल प्राप्त करता है और शुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों तापों को नष्ट कर सकता है। जो कोई भी ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं उनके लिए उचित साधन यही है। मैत्रेय मुनि ने संस्तुति की, मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों अथवा अन्य की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का संकीर्तन करें। जिन व्यक्तियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनाना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथि क्षय पर या व्यतिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनाया जाए। निसंदेह इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाए। इस प्रकार बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं। ध्रुव महाराज का आख्यान अमरता प्राप्त करने के लिए परम ज्ञान है। जो लोग परम सत्य से अवगत नहीं हैं, उन्हें सत्य के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। जो लोग दिव्य कृपा के कारण दीन जीवात्माओं के रक्षक बनने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं उन्हें स्वतः ही देवताओं की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात हैं और वे अत्यंत शुद्ध हैं। बचपन में ध्रुव महाराज ने
सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ, क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।